पाकिस्तान में देखें तो विटामिन डी की कमी बहुत ही ज्यादा कॉमन है हर इंसान में, चाहे वो जवानों की बात करें या हम चाहे बूढ़ों की बात करें, हर एक में हम सुनते आए कि विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी की कमी का रीजन क्या है, हम कैसे विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा वहीद, फिजिकल थेरेपिस्ट। आज मैं डिस्कस करूंगी कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है, वो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जब आपको विटामिन डी की कमी होगी तो अपेयर होंगे, और वो कौन कौन से फूड्स हैं जिसमें विटामिन डी कॉमन होता है। आज की जो मेरी वीडियो है वो आम आवाम के लिए, यानी हर एक आम इंसान को ये जानना ज़रूरी है कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है और वो क्या तरीक़ेकार हैं जिसके बेसिस पे अपने विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, या वो कौन कौन से साइन सिम्टम्स हैं, यानी वो कौन से मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं जिसके बेसिस पे वो अंदाज़ा लगा सकें कि उनको विटामिन डी की कमी होना स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें, विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शंस प्रॉपर होते रहें तो इसके लिए विटामिन्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। और विटामिन्स में जब हम विटामिन डी की बात करें तो इट्स रिलेटेड टू बोन्स एंड कैल्शियम। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी होगा तो हमारी पूरी बॉडी को कैल्शियम जो है प्रॉपर पहुँच पाएगा। हम कैल्शियम खाते हैं, कैल्शियम की सप्लीमेंट्स है, वो फूड्स जिनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हमारे पास विटामिन डी नहीं है तो विटामिन डी जो है बेसिकली आपकी पूरी बॉडी में, आपकी बोन्स में, जहां पे भी आपको कैल्शियम रिक्वायर होता है वो वहां तक विटामिन डी पहुंचाता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो आपकी बॉडी को प्रॉपर कैल्शियम नहीं पहुंच पाएगा जहां जहां आपको कैल्शियम चाहिए। अब हम देखें कि हमारे पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी क्यों होती है, इसके डिफरेंट रीजंस हैं। सबसे पहला जो बेसिक रीज़न है, आप सबको पता है कि विटामिन डी सनलाइट में होता है, और हम जो है सनलाइट एक्सपोजर हमारा बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम एशियन की स्किन की बात करें तो एशियन स्किन्स बहुत ज़्यादा डार्क टोन की होती हैं, तो जो हमेशा जो है जो विटामिन डी जो है लाइट स्किन में जल्दी अब्जॉर्ब होता है, इसी वजह से हमारे एशियंस में बहुत ही ज़्यादा विटामिन डी की कमी होती है। और धूप तो हम वैसे भी नहीं लेते हैं इतनी, जैसे हम सनलाइट पे जाते हैं सूरज की छाओं में यानी अल्ट्रा वायलेट रेज में, तो हमारी स्किन की जो लेयर के नीचे है इसमें फैट मॉलिक्यूल होता है, तो जैसे वो मॉलिक्यूल पे अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती हैं तो वो कन्वर्ट कर देता है 7-dehydroxycholesterol जो कि विटामिन डी की एक बहुत ही ज़्यादा रॉ फॉर्म है। तो जैसे वो रॉ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो जाएगा आपके लिवर के पास, लिवर में फिर कुछ वहाँ पे चेंजेस होके वो आपके किडनी के पास आता है, और जैसे वो किडनी के पास आएगा तो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्रॉपर विटामिन डी जो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है। हमारी किडनी में एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होता है जो आपके ब्लड से आपके सेल तक पहुँचता है, और सेल के लेवल पर जाके आपके जो पूरे जो सेल के फंक्शन उसमें हेल्प आउट कर रहा होता है। बोन में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरानापन स्टार्ट हो जाएगा। आपके बालों के लिए, नेल्स के लिए विटामिन डी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो लोग विटामिन डी की जिनमें कमी होती है इनमें बहुत ही ज्यादा जो इंफ्लेमेटरी प्रोसेस है वो ज्यादा पीक पे हो जाते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो आपके कौन कौन से फंक्शंस होंगे नहीं। तो सबसे पहले हम देखें, आपको जो बोन पेन बहुत ज़्यादा कॉमन होगा, कैल्शियम नहीं है आपके पास, जॉइंट्स पेन, मस्कुलर पेन बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा, तो ऐसे पेशेंट्स में आप देखेंगे बोन, जॉइंट और मस्कुलर पेन की बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे होंगे। इसके साथ साथ किडनी और हार्ट के इशूज़ भी स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को आइज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा अगर विटामिन डी के लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसको विजन प्रॉब्लम हो सकती है, देखने में थोड़ा मसला हो रहा होगा। जिनमें विटामिन डी की कमी होगी उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और जब भी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अगर कोई आपकी बॉडी में वायरस से बैक्टीरिया आता है तो वो जल्दी जो है अटैक करेगा, और इसके बेसिस पे इंफ्लेमेटरी प्रोसेस आपकी बॉडी में बढ़ जाएंगे, और अगर आपको कोई कैंसर वगैरह है तो कैंसर प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं। आप सबको पता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो एजिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप में विटामिन डी की कमी होगी तो एजिंग प्रोसेस जो है वो और जल्दी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी हो तो उनका जो एजिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा जल्दी हो रहा होता है। ऐसे पेशेंट सारा दिन जो है थका थका महसूस करेंगे, और कोई रीज़न नहीं होगा, आराम किए, 8 घंटे प्रॉपर नींद पूरी की है, लेकिन इसके बावजूद भी जब उठेंगे तो उनका दिल चाहेगा कि बस सोए रहें, सुस्ती या काहली महसूस होगी, कुछ काम करने को दिल नहीं चाहेगा, और रीज़न जो है उनको समझ में नहीं आएगा क्या है। और विटामिन डी की कमी के साथ साथ आपका वेट गेन भी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, यानी ऐसे लोग जिनमें विटामिन डी कम होगा वो वेट गेन कर रहे होंगे और उनको पता नहीं होगा उसका रीज़न क्या है कि वेट गेन क्यों हो रहा है।
मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, रीज़न कुछ समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं होते, एक्टिव नहीं होते, बहुत थके थके आपको इस तरह के मरीज़ नज़र आ रहे होंगे या आप खुद में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही होगी और कोई रीज़न नहीं होगा, कोई बताने के लिए कोई वजह नहीं होगी। आराम भी किया है, रेस्ट भी किया है और सब चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद परेशानी है और रीज़न समझ में नहीं आ रहा। बच्चों में विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स एक बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो बोन्स है बहुत ज़्यादा सॉफ्टन हो जाती है, जैसे बोन्स सॉफ्टन हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, जबकि आपको पता है बोन्स को हार्ड होना चाहिए। उसकी बेसिस से पोस्टरल डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाएंगी, यंग एज में ऑस्टियोमलेशिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकता है कैल्शियम की कमी, क्योंकि कैल्शियम तो आप ले रहे हैं लेकिन वो बोन्स तक पहुंच नहीं रहा, और ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन्स का भुरभुरानापन स्टार्ट हो जाएगा, और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से और बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं एज रिलेटेड, अब फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना विटामिन डी कम है, उसके लेवल से उसके हिसाब से आपकी बॉडी में तब्दीलियाँ आना स्टार्ट होंगी। किसी में बहुत ज़्यादा कम है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आना स्टार्ट होंगी, और किसी में थोड़ा कम है तो उसके हिसाब से आपके जो साइन सिम्टम्स हैं यानी आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगर विटामिन डी की एक्सेसिवनेस ज़्यादा हो जाए। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि विटामिन डी की सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की होती, खुद ही जो है ले लेते हैं, या डॉक्टर ने कुछ टाइम के लिए प्रिस्क्राइब किए तो सारी ज़िंदगी खाते रहते हैं, तो उसकी बेसिस पे विटामिन डी का अमाउंट आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप फूड से ले रहे हैं या नेचुरली तो उससे आपकी विटामिन डी ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स की फॉर्म में ले रहे हैं और अगर आपको प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ, आप टेस्ट करवाए बगैर ले रहे हैं, उसकी बेसिस पे विटामिन डी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपको किडनी के हार्ट के इश्यूज बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। तो विटामिन डी की कमी हो या विटामिन डी की ज्यादती हो, दोनों ही नुकसानदेह हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अगर विटामिन डी की कमी हो गई है तो तब क्या करें। तब जो है आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपका टेस्ट करेगा विटामिन डी का, उसकी बेसिस पे आपका जो भी विटामिन डी लेवल आएगा उसके हिसाब से वो आपको मेडिसिन बताएगा। तो आप खुद से कोई भी सप्लीमेंट ना यूज़ करें, जो डॉक्टर आपको बताए वही आप सप्लीमेंट यूज़ करें। अब विटामिन डी की सप्लीमेंट कौन सी लेनी है, किस तरह लेनी होती है, आपके मैं आपको वैसे जनरल आइडिया बता रही हूँ कि आपके पास दो तरह के होते हैं विटामिन डी। आपके पास सॉफ्ट जेल कैप्सूल फॉर्म में भी होता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी होता है। अगर बच्चा एक साल से छोटा है तो 1000 यूनिट पर डे उसके लिए काफ़ी है, और अगर बच्चा जो है उसकी उम्र 2 साल तक है तो 1000 से 2000 यूनिट पर डे ले सकता है, और अगर हम यंग एज की बात करें तो 5000 यूनिट से 200000 यूनिट तक का भी हमारे पास सॉफ्ट जेल कैप्सूल भी आता है और इंजेक्शंस भी आते हैं। 5000 यूनिट पर डे एक दिन के लिए आपके पास काफ़ी है, आप इतना ले सकते हैं। इसी तरह 2 लाख जो यूनिट है वो आप मंथ पे एक दफ़ा ले सकते हैं, तो आपके पास कैप्सूल्स आते हैं, आप उसको कैप्सूल को तोड़ के पी भी सकते हैं और आप इसका इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। तो डॉक्टर आपके विटामिन डी के लेवल के हिसाब से आपको बताता है कि आपको कितनी विटामिन डी की कमी है, आपको उसको डेली लेना है या मंथली लेना है या वीक में एक दफ़ा लेना है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप विटामिन डी की कमी ना हो तो उसके लिए आप क्या करें। इसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस है, 30 मिनट्स पर डे आप धूप लें, सनलाइट में जाएं, यानी आधे घंटे की धूप जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुबह जो 8 बजे से 10 बजे की धूप होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ठंडी धूप होती है, तो उसमें विटामिन डी जो है उसका अमाउंट आपको बहुत ही ज़्यादा मिल रहा होता है। तो आप कोशिश करें सुबह 8 से 10 बजे की धूप लें, और साथ साथ जब भी आप धूप में जाएं आप वॉक ज़रूर करें। तो कोशिश करें अगर आपकी कोई रूटीन बनती है कि आप फजर की नमाज के बाद आप वॉक कर सकते हैं तो आप वॉक करें पार्क में जाके, इससे जो है विटामिन डी का लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपका, और साथ साथ आपने धूप में के साथ साथ आपने वॉक भी ज़रूर करनी है। अब मसला ये कि कुछ लोग सुबह की धूप नहीं ले सकते, 8 से 10 बजे के बाद उनको लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो क्या हम सारे दिन की धूप ना लें? नहीं, आप सारे दिन की धूप भी ले सकते हैं। धूप ना लेने से बेहतर है कि आप कुछ तो धूप लें, कुछ तो इफेक्टिवनेस वो प्रोवाइड करेगी, तो आपके लिए जो इजी टाइम हो, जो अवेलेबल टाइम हो, उसमें आप जरूर वॉक करें धूप के अंदर। सुबह का टाइम सबसे ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज आपके पास जो टाइम अवेलेबल हो आप उसमें जरूर वॉक करें।
तो अभी हम वो फूड डिस्कस कर लेते हैं जिसमें विटामिन डी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा. सबसे पहले हम बात करें तो आपके पास सनलाइट है जो हमने बताया. सेकंड जो आपके पास ऑप्शन डैट इज़ फिश. फिश में आपको बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिलेगा. फिश लिवर ऑयल में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. अंडे, एग्स पे, एग्स की जो योक होती है यानी जर्दी में आपको विटामिन डी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है. बाकी आपके जितने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपका दूध, चीज़, दही, इन सब में विटामिन डी का लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. बीफ लिवर में आपको विटामिन डी का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा. नट्स में आपको विटामिन डी का लेवल मिलेगा अच्छा. और इसके बाद आपके पास आता है ऑरेंज जूस. ऑरेंज जूस भी बहुत अच्छा है विटामिन डी के लिए. तो ये आज हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए विटामिन डी के फ़ायदे. अगर आप विटामिन डी आपकी बॉडी में अच्छा होगा तो क्या होगा, अगर विटामिन डी की कमी है तो कौन से मसले हो रहे हैं, और वो कौन कौन से फूड्स हमने डिस्कस कर लिए जिसके बेसिस पे आप विटामिन डी लेवल अपना बेहतर बना सकते हैं. अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है या कोई और इस तरह की बीमारी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.